आज इंसान को देख लें कि इंसान किस कदर नाशुकरा होता जा रहा है। जब तक उसके पास माल और दौलत होता है तब तक वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और कुछ तो ऐसे हैं जो मालदारी में ऐशो आराम में अल्लाह को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब उनके पास नहीं होता है, जब वो बर्बाद हो जाते हैं, जब उनके उनको कोई परेशानी लायक होती है, तब वो अल्लाह से शिकायत करते हैं, ए अल्लाह तूने हमें इस मुश्किलात में क्यों डाल दिया, ए अल्लाह हमें तूने परेशानी क्यों दे दी, ए अल्लाह हमें तूने गरीब क्यों कर दिया, ए अल्लाह हमें बर्बाद तूने क्यों कर दिया। जब तक था तब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, किया अभी तो बहुत कम, और अब नहीं है तो अल्लाह ताला से शिकायत कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा दूसरों को देख देख कर चलते हैं, अरे ये चीज़ इसके पास है, हमारे पास भी होती, इसके पास अच्छे अच्छे लग्जरीज कार्स हैं तो हमारे पास भी होती, इसके पास महल हैं हमारे पास होते, इसके पास इतनी ऐशो इशरत के सामान हैं हमारे पास होते। ऐ लोगों, आप उनको देख रहे हैं लेकिन आप अपने नीचे वालों को नहीं देख रहे हैं। आपसे नीचे के भी लोग हैं जो गरीबी मुफलिसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना खाने का पैसा नहीं है, एक वक्त का खाना नहीं है उनके पास, और रहने के लिए मकान नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। कुछ तो आप देख लें फुटपाथ पे जाके, कुछ लोग आपको कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती हो आपको वो लोग वहीं सोते हुए मिलेंगे। तो आप ऊपर वालों को देख रहे हैं, नीचे वालों को नहीं देख रहे। हुजूर पाक का इरशाद भी है, तभी पाक ने इरशाद फरमाया कि अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो। अगर ऊपर वालों को देखोगे, अमीरों को देखोगे, तो तुम्हारे दिल में लालच पैदा होगा, तुम इसी कशमकश में लगे रहोगे कि कैसे दौलत आ जाए, अब वो चाहे दौलत हलाल की हो या हराम की, बस मिल जाए। और जब तुम अपने नीचे वालों को देखोगे यानी गरीबों को देखोगे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह कम से कम तूने मुझे इतना तो दिया कि रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, खाना है, इनसे तो बेहतर है। तो आपको ये लगेगा कि चलो मैं इनकी मदद करता हूँ। तो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपनों से नीचे वालों को देखो, गरीबों को देखो, क्योंकि हुजूर का इरशाद है कि अगर अमीरों को देखोगे तब तुम्हें गम लाहिक होगा, गमगीन होगे, और जब गरीबों को देखोगे तो तुम्हारे दिल में शुक्र पैदा होगा। इसी के ताल्लुक से ये वीडियो है, आप पहले इस वीडियो को देख लें, आपके दिल में लोगों की मदद करने का जज्बा पैदा होगा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने कम से कम इनसे तो हमें अमीर बनाया है, हमारे पास खाना है, रहने के लिए मकान है, लेकिन इनके पास क्या है। देखें आप इस वीडियो को, ये बच्चे और इनकी माँ किस जगह पर रह रही है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को देखें और ऐसे लोगों की मदद करें, अल्लाह ताला हम सभी को शुक्र अदा करने वाला बनाए और नेक काम करने वाला बनाए, दूसरों की मदद करने वाला बनाए।